किसी पानी के जहाज या शिप में ये पानी नहीं घुस रहा समुंदर या किसी दरिया का, बल्कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बैरक है। और कहूँगा कि ये जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मालवे नगर का, उन जवानों का जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं, ये उन पुलिस वालों के, ट्रेनिंग हासिल करने वालों के, ये वो बैरिक्स हैं, वो हॉल्स हैं, रूम्स हैं। आप देखिए कि किस तरह से पानी, चंद मिनटों की अगर बारिश देखी जाए तो ये बारिश का वो हाल हुआ है। आज हर जगह वाटर लॉगिंग देखी गई और कई इमारतों में, कई मकामात पर, कई जगहों पर पानी घुस गया अपना रास्ता बनाते हुए। ये सब पुलिस के जवान हैं जो अपने अपने सामान को बचाने की, अपने बिस्तरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जूता बहता हुआ नज़र आ रहा है साफ तौर पर, इनका सामान पूरे तरीके से तैर रहा है। ये किसके कपड़े, जूते, चप्पल पानी में बहते हुए बाहर निकल रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर देखिए आधुनिक भारत की, डिजिटल इंडिया 2021, आज का ये है वो मॉडर्न इंडिया जिसको आप देख रहे हैं। कुछ ही देर की अगर बारिश हो जाती है और उसके बाद फिर दिल्ली में ये हाल होता है। 16 दिन देर से ही सही मानसून की बारिश की आज पहली दस्तक मौसम विभाग ने दावा किया है। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है, जहां आप देखें तो रिक्शा के जो ट्राईसाइकिल है उसके पहिए ही नज़र नहीं आ रहे कि वो गए तो पहिए गए कहाँ, पूरी तरीके से पानी के अंदर गोता मारे हुए हैं। और वो रिक्शा वाला कि उसकी पीठ तक, उसकी वेस्ट लाइन तक पानी, आप देखें कि कैसे वो सवारी को ढो करके जा रहा है। नीचे की तरफ अगर कहीं गड्ढा हो या कुछ मेन हॉल खुला हो तो ये कहाँ जाएगा इसका भी नहीं मालूम है। ये तस्वीरें हैरान करती हैं। ये देखिए पुरानी दिल्ली के, ये अजमेरी गेट बाज़ार की तस्वीर है जिसको आप देख रहे हैं। लोगों के घुटने से ऊपर तक, वेस्ट लाइन तक, कमर के पास तक पानी भरा पड़ा है। आज़ादी के 74 साल बाद भी आज हालत ये है। आधुनिक इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की बात की जाती है और राजधानी दिल्ली जो पानी पानी नज़र आ रही है, इसको कंपेयर किया जाता है और ये कहा जाता है लोक लुभावन उन वादों में जो चुनावों के दौरान दिए जाते हैं कि इसको लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो वाकई शर्मिंदा करती हैं और पूछती हैं उन नेताओं से कि आज ये लंदन और पेरिस कैसा है जो आपने बना दिया है। आज लंदन और पेरिस भी देख कर के हंसते होंगे कि उनके नाम पर वोट हासिल करने वाली वो सियासी जमातें और वो सियासतदान जो नाम ले लेकर कहते हैं, उन तरक्याती मुल्कों का, तरक्की याफ्ता मुल्कों का बल्कि कहूँगा, कि आज जो नाम लेते हैं वो देख कर के इस देश की राजधानी को ज़रूर हंसते होंगे, मुँह चिढ़ाते होंगे। ये हालात हैं दिल्ली के। और अभी मानसून की, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज पहली बारिश थी, ये उसकी तस्वीरें और उसके नज़ारे थे। जहाँ एक तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं, वहीं जो सड़कें हैं वो स्विमिंग पूल और दरिया में तब्दील हो गए कुछ ही घंटे की बारिश के अंदर। तमाम सड़कों के ऊपर इसी तरह से वाटर लॉगिंग नज़र आई। कई जगहों पर देखा गया कि गाड़ियां पूरी पूरी डूब गईं, बसों के अंदर तक पानी आया, सड़क के किनारे से लेकर बीच सड़क से दूसरे सड़क की छोर तक पूरी पूरी पानी की लहरें ऐसी बौछाड़े मार रही थी गाड़ी के चलने पर कि जैसे मानो कि किसी दरिया का किनारा हो और उससे आकर के ये मौजें टकरा रही हों और मिल रही हों। ये बस के अंदर बैठी हुई सवारियों को देखें और यहीं इन्होंने अपने पैर ऊपर कर रखे हैं जबकि पानी बस के अंदर घुसा हुआ है। और ये आप देखें तो नदियां नहीं हैं या ये किसी तरीके का कोई समुंदर का किनारा नहीं है जहाँ ये उफान मारती हुई लहरें आपको नज़र आ रही हैं। ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। एमसीडी कहे दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार कहे एमसीडी को, और ये मिलकर के कहें कि केंद्र ने नहीं किया, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ज़िम्मेदार दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, ज़िम्मेदार एमसीडी में काबिज भारतीय जनता पार्टी के थ्रोन वाली तीनों ही इकाइयाँ जिसमें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी खुद भी ज़िम्मेदार है दिल्ली के इन हालात का। यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित रूप से करते रहेंगे लेकिन हल मसले का कोई नहीं निकालेगा। इस तरह की ये उफलती लहरें लग रही हैं किसी समुंदर की हों या कहीं आई हुई बाढ़ की हों।